हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू किचनिया। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही ईजी रेसिपी चॉकलेट केक की। तो चलिए शुरू करते हैं। चॉकलेट केक बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ये एक बोल ले लिया है और अब इस बोल के ऊपर मैं ये स्ट्रेनर रख रही हूँ। अब इस स्ट्रेनर में हम डालेंगे 1 कप मैदा, ऑल पर्पस फ्लावर, 1/2 कप सूजी, ये फाइन रवा है, आपको मोटी सूजी नहीं लेनी है। अगर आपको रवा मोटी मिलती है तो आप उसको मिक्सी में थोड़ा सा ग्राइंड कर लीजिए। तो ये 1/2 कप रवा, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1/4 कप कोकोआ पाउडर, ये मैंने हर्शीज का अनस्वीटेंड कोकोआ पाउडर दिया है। वैसे तो ये मार्केट में किसी भी ग्रोसरी स्टोर पर इजीली अवेलेबल है, फिर भी मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए डाल दूंगी। और अब हम सब चीजों को अच्छी तरीके से छान लेंगे। हमने सब चीजों को अच्छी तरीके से छान लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप शुगर। एक बार अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें डाल रहे हैं 1/4 कप ऑयल और 3/4 कप कर्ड दही। ये दही मैंने रूम टेम्परेचर पे लिया है। अच्छी तरीके से एक बार हम इन चीजों को मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें डालेंगे मिल्क। ये मिल्क मैंने रूम टेम्परेचर पे लिया है और ये हमें थोड़ा थोड़ा करके डालना है ताकि हम अपने बैटर को परफेक्ट कंसिस्टेंसी में ला पाए। थोड़ा सा मिल्क डाल लिया है मैंने, मिक्स कर लेते हैं। इसे हमें अच्छी तरीके से बीट करना है ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। और अब मैं इसमें थोड़ा सा मिल्क और डाल लेती हूँ। जब तक हमारे शुगर अच्छी तरीके से इसमें डिजोल्व ना हो जाए, एक स्मूथ बैटर ना बन जाए, तब तक इसे हमें बीट करना है। और ये देखिए हमारा बैटर परफेक्ट कंसिस्टेंसी में आ गया है। और इसमें टोटल हमने 1/2 कप मिल्क का यूज करा है, लेकिन अभी हम इसे 5 मिनट और बीट करेंगे ताकि हमारा बैटर और फ्लफी हो जाए। और ये देखिए अब मैंने इसको 5 मिनट बीट कर लिया है, मेरा बैटर एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी में आ गया है। चॉकलेट केक आज हम कढ़ाई में बनाएंगे, तो सबसे पहले मैंने गैस का फ्लेम ऑन कर दिया है। गैस पर मैंने ये कढ़ाई रख दी है और इसे हमें 10 मिनट के लिए प्री हीट करना है। तो उससे पहले मैं इसमें ये एक इस तरीके का स्टैंड रख रही हूं और अब इसको हम ढक देंगे और 10 मिनट हम इसे प्री हीट होने देंगे। जब तक ये प्री हीट हो रही है तब तक हम अपना कंटेनर को ग्रीस कर लेते हैं। आप केक टिन या किसी भी तरीके का कंटेनर ले सकते हैं केक को बनाने के लिए। मैंने ये इस टाइप का कंटेनर लिया है, इसमें मैं आज आपको ये केक सेट करके दिखाऊंगी। अगर आपके पास केक टिन अवेलेबल है तो आप उसमें भी इसको सेट कर सकते हैं। जो मन चाहे आप शेप इसकी ले सकते हैं, मैं इसको राउंड शेप में आज बना रही हूं। कंटेनर को ग्रीस करने के लिए मैंने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ले लिया है और अब हम इसको अच्छी तरीके से ग्रीस कर लेंगे। और ये देखिए मैंने इस कंटेनर को अच्छी तरीके से ग्रीस कर लिया है। अब हम इसमें बैटर पोर कर लेते हैं। एक बार चला लेते हैं पोरिंग से पहले। ये इसकी परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। मैंने सारा बैटर इसके एक टिन में पोर कर लिया है। जब आप बैटर को पोर करें तो एक बात का ध्यान रखें कि जैसे मैंने इसमें इतना स्पेस एक्स्ट्रा छोड़ा है, क्योंकि जब इस केक को आप कढ़ाई में सेट करेंगे तो ये फूलेगा, तो उस फूलने के लिए भी आपके बर्तन में गुंजाइश होनी चाहिए। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब इसमें ये जितने भी बबल्स आ रहे हैं इनको रिमूव करने के लिए हम इसको इस तरीके से पैट कर लेते हैं। सारे बबल्स रिमूव हो गए हैं
अब अगर आप इसमें टूटी फ्रूटी डालना चाहें तो टूटी फ्रूटी डाल सकते हैं। मैं ये ड्राई फ्रूट्स डाल के इसको सेट करूंगी। तो ये मैंने कुछ काजू और कुछ पिस्ते ले लिए हैं, तो ये अब मैं इसमें डाल दूंगी। आप अपनी मनपसंद के कोई भी नट्स इसमें यूज कर सकते हैं। मेरे पास इस टाइम जो अवेलेबल था वो मैं इसमें डाल रही हूं। ये हमारा बिल्कुल तैयार है, कढ़ाई हमारी प्री हीट हो चुकी है। तो चलिए अब हम इसको कढ़ाई में सेट करते हैं। कढ़ाई का ढक्कन हम उतार लेंगे। और इसे हम इसमें सेट कर देंगे। केक टिन को मैंने कढ़ाई में सेट कर दिया है और अब इसको ढककर मैं 55 से 60 मिनट तक बेक करूंगी और उसके बाद हम इसको चेक करेंगे। तो चलिए ढक लेते हैं हम कढ़ाई को। हमारे केक को बेक होते हुए 60 मिनट हो चुके हैं, तो एक बार अब हम इसको खोल के चेक कर लेते हैं। और ये देखिए हमारा केक कितने अच्छे तरीके से फूल गया है। अब या तो आप किसी टूथपिक की हेल्प से या किसी नाइफ की हेल्प से इसको इसमें प्रिक करके देखिए। अगर आपकी नाइफ बिल्कुल क्लीन आती है तो इसका मतलब आपका केक अच्छे तरीके से बेक हुआ है। हमारा केक अच्छे से बेक हो गया है। गैस के फ्लेम को अब हम ऑफ कर देंगे और अब हम अपने केक के टिन को बाहर निकाल लेते हैं और इसको हम ठंडा होने देंगे। हमारा केक ठंडा हो गया है और ये देखिए इसने सारे एजेस को छोड़ दिया है। तो चलिए अब हम इसको डीमोल्ड कर लेते हैं। डीमोल्ड करने के लिए मैंने ये प्लेट ले ली है। इसको इस तरीके से रख के थोड़ा पैट कर लेते हैं। और ये देखिए कितना परफेक्ट केक बन के तैयार हुआ है। ये देखिए कितना परफेक्ट स्पॉन्ज आया है इस पे। तो चलिए अब हम इसको कट करके देखते हैं। अब हम इसे कट कर लेते हैं। ये देखिए कितना परफेक्ट स्पॉन्ज है इसमें, कितना स्पॉन्जी केक बन के हमारा तैयार हुआ है। आपको इसे तोड़ के दिखाते हैं। ये देखिए, तो देखा फ्रेंड्स आपने हमारा कितना डिलीशियस चॉकलेट केक बनके तैयार हुआ है। इसमें कितने सारे ड्राई फ्रूट्स हमने डाले हैं जिनका टेस्ट बहुत ही अच्छा आ रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, इस रेसिपी को जल्दी से ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपका केक कैसा बना। हम फिर मिलेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।